जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदरणीय श्री अमर परवानी सर के साथ में। अभी चैम्बर में बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम उनसे सवाल करते हैं क्यों जरूरत पड़ी संविधान संशोधन की। तपेश भाई, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये पूरे प्रदेश के हमारे जो 12 लाख व्यापारी हैं और हमारे 27,200 के लगभग जो आजीवन सदस्य और एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, ये सबके मन में ये कोतूहल है और आप जो ये सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में क्लियरिटी जाएगा। संविधान संशोधन की जो जरूरत महसूस हुई जब हम लोग की पूरी टीम नई टीम आई इसमें अपना कार्यकाल स्टार्टिंग में, तो पिछले कार्यकाल में जब माननीय अध्यक्ष जी ने रिजाइन किया था तो उसके बाद बहुत सारी चीजें वहां पे डाउटफुल थी। तो हम लोग की जो सीनियर टीम है उनके साथ हम लोग बैठे और जब पूरे संविधान का हम लोगों ने अध्ययन किया तो बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि वो उस जमाने के हिसाब से एकदम सही थी। अभी की जो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, सदस्य संख्या है, पूरे प्रदेश में जितनी इकाइयां काम कर रही है, बहुत सारी जगह पे उसमें संविधान संशोधन की जरूरत थी, जिसमें एक ये भी था कि अगर कोई और अध्यक्ष अगर रिजाइन करता है तो उसके बाद क्या प्रोटोकॉल बनेगा, ये यहां से हम लोगों का डिस्कशन चालू हुआ। इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है आपने? जी, जैसे ही ये हम लोग को महसूस हुआ कि ये होना चाहिए तो और हम लोगों ने जो हमारी कार्यकारिणी थी उसमें संविधान संशोधन का पॉइंट लगा के हम लोगों ने पूरे प्रदेश में कार्यकारिणी की सूचना दिए और सूचना देने के बाद जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस एजेंडे के पॉइंट में जब डिस्कशन हुआ तो पूरे प्रदेश में जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं उन्होंने सब लोगों ने इसमें सहमति प्रदान करी कि संविधान संशोधन होना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अनुमति दिए तो हम लोगों ने आपस में जो हमारी टीम है, वरिष्ठ टीम है, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनमें जब हम लोग बैठक करके चालू हुआ तो इसका अगला स्टेप हुआ कि संविधान संशोधन में कौन कौन रहेगा, एक कमेटी का निर्माण हुआ। तो कमेटी के निर्माण के लिए फिर जो अगली कार्यकारिणी थी, मतलब उसके बाद जो भी कार्यकारिणी रही होगी, उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट डाला कि उसमें कमेटी बनना चाहिए। और वो कमेटी को भी पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी ने उसको सहर्ष उन्होंने उसको अनुमोदित किया, फिर कार्यकारिणी बनी, वो उसमें संविधान संशोधन टीम बनी, टीम का अनुमोदन वापस कार्यकारिणी में हुआ। कार्यकारिणी में अनुमोदन होने के बाद उनको जितना समय लगा इसमें प्रस्ताव को एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, वो ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट हम फिर सूचना दिए पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी में। कार्यकारिणी में उस ड्राफ्ट का अप्रूवल ओके होने के बाद, क्योंकि कार्यकारिणी इसको पास नहीं कर सकती थी, मतलब उसको आम सभा में ही इसको ले जाना था, तो उन्होंने अनुमोदित करके आम सभा के लिए उसको रिकमेंड किया कि आम सभा में ले जाके इसको पास किया जाए। आम सभा कहाँ हुई आपकी? जी, ये हमारी आम सभा 27 जनवरी 2024 को मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुई। उसमें जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी उसमें पॉइंट उठाते हैं कि वो सिंगल एजेंडा, बिल्कुल सिंगल एजेंडा था, दो सत्र में था। एक सत्र में क्योंकि नई सरकार बन के आई थी, सीएम साहब और उनकी पूरी टीम का स्वागत था, और एक सत्र में उसमें जो संविधान संशोधन की बात थी उसे मुझे अच्छे से याद है। आदरणीय चेतन तरवानी जी भी थे वहां पे, उनके जो एकता पैनल के बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे वहां पे, और संजय रावत जी जो इसमें संशोधन कमेटी के एक सदस्य हैं, उन्होंने पूरा उसको संविधान संशोधन को पढ़ के क्यों उसकी चेंज हुआ, ये पॉइंट क्यों चेंज हुआ, पूरा पढ़ के दिए। और पूरा संविधान संशोधन आम सभा में पूरे, मतलब बहुमत बोलना गलत होगा, 100% लोगों ने ताली बजा के स्वागत किया कि सही पास हुआ है। आपका कहना यह है कि संविधान संशोधन जो हुआ वो आम सभा में हुआ, जी, क्लैरिटी के साथ में हुआ, सब लोग को सूचना भी मिली, क्योंकि उनके पास में जब आम सभा में देखा गया तो दूसरे पक्ष के लोग भी उसमें उपस्थित थे, सारी की सारी प्रक्रिया हुई। अभी जो आपत्ति आ रही है वो क्या आपत्ति आ रही है? उसके अनुमोदन वाला मामला है।
जी एक्चुअली क्या है, जो हमारे सामने के लोग हैं वो एकता पैनल वाले बहुत लर्नेड लोग हैं, उन लोगों को आम सभा विशेष आम सभा में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो जो भी आपत्ति कर रहे हैं विशेष आम सभा की कर रहे हैं। 27 अप्रैल को जो विशेष आम सभा हुई थी, विशेष आम सभा में जो आम सभा में जो पास हुआ संविधान संशोधन, उसका खाली एक अनुमोदन था। और नॉर्मली जब हम मेडिकल कॉलेज सभागृह की बात करते हैं तो वो पारित हो चुका है, पारित हो चुका था और उसमें भारी संख्या में पूरे व्यापारी गण वहां पे उपलब्ध थे, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था उसमें, और उसमें बहुमत बहुमत क्या पूरा मतलब सर्वसम्मति से पास हुआ हो। तो ये अब मेरे ख्याल से जो लग रहा है कि संविधान संशोधन वाला जो मामला है जी, कि आप ये जो बोल रहे हैं तो वो आम सभा में तो हो गया है, हो गया जी। अब ये अनुमोदन वाला जो सभा है विशेष आम सभा जी, इसकी सूचना नहीं मिली जैसे कहते हैं। देखिए सूचना नहीं मिली इसमें, मतलब मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करूंगा, अभी अंतिम कार्यकारिणी की उसी पद्धति से सूचना गई, उनको सूचना भी मिल गई, आ भी गए, मीटिंग को खराब करने की उनके तरफ से पूरी कोशिश हुई, वो उनके कंफर्ट लेवल में है कौन सा सूचना उनको मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। हमने पुराने संविधान के हिसाब से उसमें लिखा हुआ है भारतीय डाक से भेजना है, भारतीय डाक से ही भेजे थे, 7 दिन पहले भेजे थे, उसकी पूरी जो भारतीय डाक की जो रसीद होती है, पोस्ट होता है, सारा चीज पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम लोगों ने पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ संविधान संशोधन को एक बोलना चाहिए सर्वसम्मति से पास हुआ है, बहुमत से पास होना गलत होगा, सर्वसम्मति से पास हुआ है। इसके बाद में सामने वाले पक्ष ने रजिस्ट्रार और फर्म में जो आपत्ति दर्ज की है तो वो आपत्ति तो वैसे तो आपके हिसाब से बनती ही नहीं है। देखिए वो सारी आपत्ति बेसलेस थी और कोई भी उसमें उन्होंने कोई भी सपोर्टिंग प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने 6 जून को उन्होंने उनकी जो उन्होंने आपत्ति लगाई थी रजिस्ट्रार और फर्म से, हमको 6 जून को वो एक लेटर प्राप्त हुआ कि ये आपत्तियां हैं, और 7 जून को जिसका हम लोगों ने पूरे तथ्यों के साथ पूरे सपोर्टिंग के साथ वहां पे हम लोगों ने रिप्लाई किए, उसके बाद 21 जून को उनका जो मेमोरेंडम बनता है अंदर का, उसमें जो नोटशीट बनती है उसमें उन लोगों का जो उन्होंने लिखा है कि जो जो एकता पैनल से या आदरणीय श्रीचंद भाई के तरफ से या उनकी टीम से जो आपत्ति आई थी उसका उन्होंने पूरा उसका उल्लेख किया है, और साथ में लिखा है कि ये आपत्ति का कोई भी सपोर्टिंग उनको नहीं मिला, और जो हम लोगों ने जवाब दिया है एक एक पॉइंट वाइज हम लोगों ने जवाब दिया था पूरे चीजों के सपोर्टिंग के साथ, तो उन्होंने लिखा है कि जो चैम्बर से उनको प्राप्त हुआ है वो सारी चीज सपोर्टिंग के साथ प्राप्त हुआ है, और अतः उनकी आपत्तियों को मतलब खत्म करते हुए निरस्त करते हुए उन्होंने संविधान संशोधन को अनुमति दिए जो 25 जून 2024 को जिसका ऑर्डर पास हुआ। आपने अमर भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 25 तारीख के जो उनके जवाब सवाल थे वो सारे के सारे सवालों का जवाब मिल गया और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी ने यही कह रहे हैं आपकी अनुमोदित कर दिया है संविधान संशोधन को, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आपने प्रोसेस भी बताया कि आम सभा में पारित हो चुका था, विशेष सभा तो सिर्फ उसके अनुमोदन की एक प्रक्रिया छोटी सी प्रक्रिया होती है कि आपने जो पास पारित किया है उस पर हमारी एक थोड़ी सी और जानकारी, एक तरीके से एक जानकारी कह दें कि सभी सदस्यों को जानकारी दे दिया कि साहब पारित हो गया है। देखिए आप जी जी। काफी लर्नेड हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, जी जी। आपको पता है पास करना और अनुमोदन दोनों में बहुत अंतर होता है। जी जी। तो पास तो सर्वसम्मति से आमसभा में हो गया, जिसकी वो एक बार भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो खाली विशेष आम सभा की बात कर रहे हैं, विशेष आम सभा में खाली अनुमोदित होने के लिए हुआ था और वो और उसमें भी प्रक्रिया का पालन हुआ है, क्योंकि प्रक्रिया क्या रहती है उसमें कि अगर कोरम नहीं होता है तो कोरम के अभाव में आधा घंटा आपको मीटिंग को एडजर्न करना पड़ता है, उसके बाद मीटिंग होती है, और इसमें नॉर्मली अगर किसका मेलाफाइड इंटरेस्ट हो तो वो क्या करते हैं 2-3 चीज और पास करा लेते हैं, तो उसमें कोरम के अभाव में वही चीज पास हो सकती है जो आपने सूचना में या एजेंडा में मेंशन किया। तो हमने एजेंडा में एक ही चीज मेंशन किया था संविधान संशोधन का, तो एजेंडा में वही पास हुआ विशेष आम सभा में भी जो वो पास होना था।
आपकी बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो संविधान संशोधन हुआ वो उचित माध्यम से हुआ, उचित तरीके से हुआ, उसकी प्रक्रिया हुई और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी ने इसको पारित भी कर दिया। ये विषय आप सब लोगों की जानकारी के लिए, आपने जानकारी दी इस बात की कि संविधान संशोधन संविधान के अनुरूप भी हुआ और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी ने उसका निराकरण भी कर दिया, उनसे सवाल जवाब भी कर दिया। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।